मुस्लिम महिलाओं के तीन तलाक का मुद्दा देश की राजनीति में हमेशा छाया रहा है। इसे लेकर मोदी सरकार ने बकायदा कानून भी बनाया, लेकिन लोगों में शायद इस कानून का कोई डर नहीं रहा। यही कारण है कि कानून बनने के बावजूद तीन तलाक के मामले सामने आ रहे हैं। ताजा मामला गुजरात के सूरत से सामने आया, जहां भरीमाता इलाके की रहने वाली यास्मीन शेख को उसके पति अकरम शेख ने शादी के 4 साल बाद 3 तलाक दे दिया। अकरम ने देर रात लड़ाई होने के बाद तलाक दे दिया। पीड़िता यास्मीन सरकार से इंसाफ की गुहार कर रही है। ट्रिपल तलाक ने न जाने कितनी महिलाओं का घर परिवार उजाड़ दिया है, और शायद यही वजह है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ट्रिपल तलाक को लेकर नया बिल पेश कर चुकी है। मगर बावजूद इसके, इस तरह के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे। ताजा मामला गुजरात के सूरत से सामने आया है, और जो पीड़िता है ट्रिपल तलाक की हमारे साथ मौजूद है। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि और पूछते हैं उनसे कि आखिर उनके शौहर ने आपको ट्रिपल तलाक क्यों दिया, क्या कुछ कहा? मेरे शौहर ने क्या लेके गया, वहाँ पे दूसरी लड़की के साथ घूम रहा था, वहीं पे मैं थी। उसने मुझे सबके सामने 3 तलाक बोल दिया और निकल गया। उसके माँ बाप ने उसको भेज दिए दूसरी जगह और मुझे लाके यहाँ पे छोड़ दिए। हर चीज़ से परेशान करता था मुझे, खर्चा पानी कुछ नहीं देना, ऊपर से मेरे से मांग के ले जाता था। मेरी माँ के पास से 500-1000 लेके जाता था। मुझे इंसाफ चाहिए बस, दे है। ये बताइए कि मतलब ट्रिपल तलाक की नौबत क्यों आई, क्या कुछ क्योंकि होता है पति पत्नी में झगड़े होते हैं, समाधान हो जाए, लेकिन आखिर ट्रिपल तलाक किस मामले को लेकर उसने आपसे आपको दिया? वो दूसरी लड़की के साथ अफेयर था उसका, इस वजह से। वो रूम भाड़ा नहीं भरता था, मुझे खर्चा पानी नहीं देता था, जब मांगती थी तो मुझे मारता था, पीटता था। इस वजह से उस लड़की को घुमाता फिराता था, अय्याशी करता था, दारू पीना होना सब करता था। मेरा 4 महीने का भाड़ा बाकी है, 1 साल की लाइट बिल बाकी है, लेकिन वो भरता नहीं था। और उस वजह से मैं मांगती थी तो मुझे मारता था, पीटता था, और उस लड़की के साथ घूमता था। और जब फोन करती थी, बोलती थी, तो बोलता था जो उखाड़ना है तुझे उखाड़ ले, जो करना है तुझे कर ले, ऐसा मुझे धमकी देता था। और तुझे ऐसी जिंदगी जिएगी तू। अब जब ट्रिपल तलाक कहा तो उस वक्त कौन कौन और मौजूद था आपके पास, और क्या कुछ कह के वहाँ से चले गए? उस वक्त मोहल्ले वाले मौजूद थे, 2-4 घर सब जाग गए जब झगड़ा कर रहा था। वो सब जाग गए, मेरे सास ससुरे जेठ जेठानी सब वहाँ पे मौजूद थे, सब ने सुना, सबके सामने चिल्ला चिल्ला के उसने बोला। फिर उसके माँ ने उसको भेज दिया, निकल गया वो वहाँ से। मेरी सास ने मुझे लाके यहाँ छोड़ गई। अब क्या कह रहे हैं वो, अगर आपको मतलब ट्रिपल तलाक तो दे दिया है तो अब क्या कह रहे हैं, कैसे रखेंगे आपको अपने पास? अब बोल रहे हैं कि तुम इद्दत करो, दूसरी शादी करो, जैसे हक हलाला करो, दूसरी शादी करो, गैर मरद से शादी करके उसके बाद से वो मुझे छोड़ेगा तब तू मेरे लड़के के पास आना रहने के लिए, नहीं तो नहीं। तो मुझे ये नहीं करना है, गैर मरद से शादी करके फिर उसके पास जाऊँ, फिर वो मेरे साथ वैसा करे, तो वैसा मैं कर नहीं सकती हूँ। वो तो एक बार जिंदगी बर्बाद किया, फिर दूसरे के साथ जाऊँ वो मेरा जिंदगी बर्बाद करेगा, फिर इसके पास आऊँ, ऐसा मैं हरगिज नहीं करूँगी। पुलिस से और सरकार से क्या उम्मीद है आपको कि कैसे न्याय चाहती है, क्योंकि लगा केंद्र सरकार जो है ट्रिपल तलाक को लेकर कानून बना रही है, तो उसको लेकर क्या कहेंगे आप? मुझे इंसाफ चाहिए, मेरा खर्चा पानी हर चीज चाहिए मुझे, उसको सजा मिलना चाहिए। पहले तो ये 3 तलाक जो बोला उसको उसको सजा मिलना चाहिए। वो सो डर जाए क्या, कोई भी इंसान बोलने से डरे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। और जो लागू किए वो तो लागू होना ही चाहिए, हर लेडीज के ऊपर है ये। वो 3 तलाक बोल के आदमी छुट्टा हो जाता है और वो अपनी जिंदगी जीता है, हमारी जिंदगी तो खराब हो गई। इसके लिए मुझे इंसाफ चाहिए और मुझे उसको सजा होना चाहिए और ये कायदा लागू होना चाहिए। मोदी सरकार से कोई विशेष अपील है आपकी तरफ से, मतलब जिस तरह ट्रिपल तलाक के मामले पे क्या कहेंगे? हाथ जोड़ के बोलती हूँ मैं कि जैसे मेरे लिए इंसाफ करे और उसको सजा दिलाए, और हर कोई भी एक कदम उठाए उसको भी ये सजा होए। ये सोच, हाँ, मेरी लड़की की जिंदगी और मेरी जिंदगी खराब करके रख दिया उसने। हर आदमी 3 तलाक बोलने पे 10 मरतबा सोचे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ट्रिपल तलाक पीड़िता यास्मीन ने सूरत के चौक बाजार पुलिस स्टेशन में अपने पति अकरम शेख और उसके परिवार पर दहेज प्रताड़ना की शिकायत दर्ज कराई है। इस मामले में पुलिस का कहना है कि पीड़िता की शिकायत पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। चौक बाजार पुलिस स्टेशन सूरत शहर में एक IPC 498A 566D और दहेज प्रतिबंधक धारा के अलम के मुताबिक गुना रजिस्टर हुआ है। उसमें ये गुना की जो कंप्लेनेंट है उनको उनके जो पति है और शास्त्री पक्ष वाले ने बार बार दहेज की मांगनी की थी। इसमें रिक्शा लाने के लिए 40,000 रुपये की मांगनी की थी
वो नहीं पूरी हुई तो उनको 3 बार तलाक बोल के घर से निकाल दिया और जान से मारने की धमकी दी। ऐसा गुना रजिस्टर हुआ है और चौक बाजार पुलिस मार्फत उसकी आगे की तपास अभी चल रही है। पीएम नरेंद्र मोदी 3 तलाक को खत्म करने के पक्ष में है, लेकिन इसको लेकर मुस्लिम धर्म गुरु इसे शरीयत के खिलाफ बताकर विरोध कर रहे हैं। यही वजह है कि 3 तलाक मुस्लिम समाज की महिलाओं के लिए अभिशाप बना हुआ है। अब देखना यह है कि 3 तलाक से मुस्लिम महिलाओं को इस अभिशाप से कब तक निजात मिलता है।